कोंडागांव विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाखरा, यहाँ लगभग 900 की आबादी है और 35 घर है, लेकिन आज 70 साल 75 साल होने को है देश को आजाद हुए, लेकिन अब तक यहाँ लाइट नहीं लग पाई है। कहाँ के रहने वाले हो? बाखरा के। तो समस्या किस चीज का है? लाइट का है। तो लाइट यहाँ पे नहीं, आपके गांव में नहीं है? तो आपका खेती बाड़ी कैसे करते हैं? एक फसल कमाते हैं, लाइट नहीं है। तो लाइट होता तो क्या दो फसल लेते आप? लेते क्या, और कोड़ाते। आप लोग शासन के पास गए थे? गए थे, कुछ जवाब नहीं दिए। ऐसे कौन से पद पे है? सचिव पद। कौन से पंचायत का? ग्राम पंचायत बाकरा। ऐसे यहाँ एक आपके वार्ड में मतलब बिजली पोल नहीं गिरा है, नहीं गड़ा है, और कम से कम 30-35 घर है, तो आप क्या कहेंगे, कुछ कहना बताना चाहेंगे? अब वहाँ तो सर्वे वगैरह तो हो चुका है सर, रिश्ते लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अब तक अधिकारियों का क्या कहना? अब अधिकारियों का अब क्या कहना, तो ऐसे जन दर्शन भी डाल दिए थे आवेदन। विद्यार्थी चिमनी का सहारा लेकर पढ़ते हैं और कभी घासलेट मिट्टी तेल खत्म होने से वे अपना पढ़ाई वहीं पर रोक देते हैं, और महिलाओं का भी चूल्हा चौका अंधेरे में काम करना पड़ता है, और किसान भाइयों को खेत खलियानों में अंधेरे में गुजरना पड़ता है, कभी सांप बिच्छू का भी डर लगा रहता है। मैंने जब इस विषय को लेकर इस वीडियो बनाया और समुदाय को दिखाया और समुदाय के साथ मिलकर हमने विद्युत अधिकारी से संपर्क किया और उन्हें इस बारे में जानकारी दी, लगभग 6 माह बाद इस गांव, इस भूती डोंगरी में लाइट लग चुकी है और आज यहां के पढ़ने वाले बच्चे, महिलाएं, किसानों को सहूलत हो रहा है। आपके भूती डोंगरी में क्या परेशानी था? ओ, बिजली का परेशानी था। कितने सालों से था? 40-45 साल से। तो अब लाइट लग रहा है? ओ, कम्बा तो गड़ चुका है। हाँ। अभी जो लगने वाला है 10-15 दिन में। तो ये किसके प्रयास से हो पाया? अधिकारी से और आपके प्रयास से हो पाया है। तो इसके लिए आप किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? आपको धन्यवाद देंगे और अधिकारी को धन्यवाद। यहाँ नए खम्बे खींचने के कारण लगभग 20 खम्बे लगाए गए, जिसकी लागत 2.5 से 3 लाख रुपए शासन ने हमें बताया। आज यहाँ लाइट लगने के कारण इस गांव में खुशी दिख रही है। मैंने इस गांव में विद्युत लगाने के लिए गांव से संपर्क बनाए रखा एवं अधिकारी से भी संपर्क बनाए रखा था। आज यहां लाइट लग गई है, यहां के लोग खुश नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने वालों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संबंधित अधिकारी विद्युत अभियंता नवीन पोयाम जी को फोन करें और उन्हें धन्यवाद दें। नवीन पोयाम जी का नंबर है 9424170833। मैं खिरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।